भारतीय क्रिकेट टीम ने तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 137 रनों से हराकर चार टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-1 से बढ़त हासिल की है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए इस मैच में पांचवें और आखिरी दिन रविवार को भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 261 रनों पर समाप्त कर ये जीत हासिल की है। भारत ने अपनी दूसरी पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 399 रनों का लक्ष्य दिया और इस लक्ष्य को हासिल करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने चौथे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 258 रन बनाए। आपको बता दें पैट कमिंस ने 63 तो नाथान लॉन ने 7। आपको बता दें इसके बाद पांचवें और आखिरी दिन का पहला सत्र बारिश के कारण बाधित रहा और ऐसे में पहले सत्र में एक भी गेंद नहीं फेंकी गई। इसके साथ ही भोजनकाल की घोषणा कर दी गई और दूसरे सत्र में भी अपने बाकी बचे 141 रनों के लक्ष्य को हासिल करने उतरी ऑस्ट्रेलिया के लिए कमिंस और नाथन ने करीब 46 रन ही जोड़े थे, जबकि जसप्रीत बुमराह ने कमिंस को चेतेश्वर पुजारा के हाथों कैच आउट करा दिया और टीम को एक विकेट गिरा दिया। कमिंस ने इस पारी में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे अधिक रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में खेली गई करीब 114 रन गेंदों में 5 चौके और 1 छक्का लगाया तो वहीं जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया।